हेलो रिवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। और आप बने रहिए मेरी वीडियो देखने के लिए। और मैं सबसे पहले आ गई हूँ अपनी छत पर। तो मैं छत साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं छत डेली तो नहीं साफ़ करती, मैं 2-3 दिन में एक बार कर देती हूँ। और मैंने सोचा सबसे पहले मैं छत को ही साफ़ करूँगी, और छत के बाद अब आ गई हूँ मैं नीचे अपने रूम में। तो रूम की मैं चादर चेंज कर रही हूँ। तो मैंने हर जगह की चादर बदली है आज, क्योंकि मुझे मशीन लगानी है। तो मैंने चादर सेट कर दी है अच्छी तरीके से, और कवर डाल दिए हैं तकियों में। तो मेरी चादर सेट हो चुकी है और चादर बिछा ली है। और उसके बाद मेरा नंबर आ गया है झाड़ू लगाने का, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ऊपर छत पे तो लगाई आई थी, अब मैं घर में सारे में झाड़ू लगा लूँगी अच्छी तरीके से। तो झाड़ू लगा के मुझे वॉइस करना नहीं आता मैं इसलिए सिंपल सिंपल वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वॉइस नहीं करना आता तो यही लेडीज़ का रूटीन है रोज़ का। तो मैं सोचती हूँ मैंने कहा कौन देखेगा झाड़ू पोछे को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जो भी है। और झाड़ू लगा के हर जगह, जब मैंने झाड़ू लगा ली है, और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी वॉश बेसन पर। और अब मैं वॉश बेसन साफ कर रही हूँ अपनी, यही डेली के काम है। और मैं सोचती हूँ मैंने कहा क्या दिखाऊँ क्या दिखाऊँ, और डेली रूटीन यही होता है और क्या होता है। घर के काम तो यही है, बस मुझे घर के काम ही दिखाने पड़ते हैं। अब जब कुछ और है ही नहीं दिखाने को तो यही है। तो मैं अच्छी तरीके से वॉश बेसन साफ़ कर दूँगी, यही मेरा काम है रोज़ का। तो वॉश बेसन साफ़ करने के बाद मैं पोछा लगाने से पहले ये सब काम ख़त्म करती हूँ। वॉश बेसन साफ़ करना, डस्टिंग करना, और ये कॉलिन मारना हर चीज़ को, सब काम उसके बाद मैं सबसे बाद में पोछा लगाती हूँ। क्योंकि जब वॉश बेसन साफ़ करते हैं तो नीचे पानी खिंडता है ना, तो फिर उसके बाद में पोछा लगाती हूँ। तो वॉश बेसन हमारा साफ़ हो चुका है, तो उसके बाद हमारा नंबर आ चुका है पोछा लगाने का। और अच्छी तरीके से वॉश बेसन साफ़ कर दी है, यही काम होते हैं लेडीज़ के। तो लेडीज़ को काम ही काम होता है सुबह से उठकर शाम तक, बेचारी को पता नहीं होता। हर लेडीज़ का काम यही है कब सुबह होती है और कब शाम हो जाती है। तो अब हमारा नंबर आ चुका है पोछा लगाने का, तो सबसे लास्ट में हम पोछा ही लगाएंगे। तो पोछा लगा रही हूँ और रुक रुक के बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे ना वॉइस करना नहीं आता बिल्कुल भी, क्या करूं। और पोछा लगाने के बाद, ऊपर का सारा काम ख़त्म होने के बाद, मैं आ गई हूँ अपने नीचे वाले मकान में। और अब मैं नीचे मकान की सफाई कर दूंगी। और हाँ, एक और बात है, क्योंकि मेरे किराएदार नीचे आ चुके हैं मेरे नीचे घर में। और पर आप कहोगे नीचे जब किराएदार आ चुके हैं तो आप झाड़ू क्यों लगा रही हो, क्योंकि वो कहीं गई हुई है। तो घर तो मेरा ही है साफ रखने का, साफ तो रखना ही पड़ता है। तो वो कहीं गई थी, वो अपने घर गई हुई है शायद। तो मैं बाहर बाहर से लगा रही हूँ झाड़ू पोछा लगा दूँगी, बाहर से सारी सफाई कर दूँगी। और हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि आपका जो नीचे वाला घर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ मेरे घर को नाम मत रखिएगा। जैसा भी है मेरा घर है, बहुत प्यारा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। किसी के पास तो ऐसा भी नहीं है, मतलब घर की कीमत उन्हें पूछो जिनके पास घर नहीं है। और मेरा जैसा भी है ठीक है, सब कह रहे हैं कि उसने बोला था कि ठीक करवा लो, भाई अभी मेरा बजट नहीं है ठीक करवाने का। और मैं ठीक हूँ अपने घर से, बिल्कुल बहुत बढ़िया घर है मेरा। तो किसी के पास ऐसा भी नहीं होता। तो झाड़ू लगाने के बाद और अब नहा धोकर आ गई हूँ मैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान जी के। तो मैं यहाँ पूजा कर लूँगी, और पूजा करने के बाद सोचेंगे हम दोपहर के खाने का। तो यहाँ पर आ गई मैं खाना बनाने के लिए। मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, कढ़ी और चावल बनाएंगे आज। तो ये मैंने बेसन घोल लिया है पकौड़ों के लिए, पकौड़ी बनाएंगे। और इसमें मैंने घोल लिया है कढ़ी का घोल, दही और बेसन घोल लिया है। पहले हम पकौड़ी बनाते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो तेल डाल देते हैं। तो मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया है, और उसमें फिर पहले पकौड़े बना लूंगी। तेल गर्म हो चुका है,
कड़े हो चुके हैं, मैं निकाल लूंगी इनको। और इसी बचे हुए तेल में, तेल गर्म हो चुका है और बचे हुए तेल में मैं कड़ी छोंक लूंगी, तो उसमें डाल दूंगी मेथी। साबुत मिर्च थोड़ा ही, और ये मैंने प्याज और लहसुन काटा हुआ है, ठीक है, मैं डाल दूँ प्याज। मैं इसमें अब मसाला डाल दूंगी, मिर्च, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला और हल्दी मैंने घोल में डाल दी थी, और नमक डाल दूंगी मैं बाद में क्योंकि फटने का खतरा रहता है। थोड़ी मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी, और मैं इसे चलाती रहूंगी जब तक इसमें खद्दा ना लग जाए, उबाल ना जाए, तब तक चलाते रहना चाहिए कढ़ी को। तो मैं इसमें नमक डाल दूंगी, कढ़ी में खद्दा लग चुका है और मैं सिम पे कर दूंगी इसको और बहुत देर तक कढ़ाऊंगी इसको। सिम पे करते हैं, कड़कती रहेगी। तो मेरी कढ़ी बन चुकी है, कड़ी बन चुकी है और इधर चावल भी बन चुके हैं, जीरा राइस बना चुकी हूँ मैं, चावल भी बन चुके हैं। तो लो जी, आ जाइए आप भी, कड़ी चावल खा लीजिए, कड़ी है, चावल है, प्याज की सलाद है, तो आ जाइए खा लीजिए आप भी। हेलो जी, तो चलिए लेते हैं आपसे इजाज़त, और इजाज़त लेने से पहले आपके कुछ नाम ले देते हैं जो आपने दिए हैं कि हमारा नाम लीजिएगा। मैं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, पर चलो आपकी खुशी के लिए मैं आपके नाम ले दूँगी। जब आप मेरी वीडियो देखते हो टाइम निकाल कर, तो मुझे नाम लेने से क्या दिक्कत हो सकती है, कुछ भी नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। और आपका नाम लेना, मैं तो चाहूँ कि मैं हर किसी का नाम लूँ, लेकिन बहुत सारे नाम हो जाते हैं, और मैं चाहती हूँ कि एक बार ना सबके नाम लूँगी बड़े प्यार से। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, आप अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, कोई कमेंट गलत नहीं होता, सारे प्यारे कमेंट होते हैं, जितने भी होते हैं कमेंट अच्छे ही होते हैं। तो चलिए मैं नाम ले देती हूँ जिन्होंने अपने नाम दिए हैं। तो एक है रेनू यादव जी, तो हेलो जी कैसे हैं आप रेनू जी, और दूसरा नाम है शर्मिला, तो हेलो शर्मिला जी कैसी हैं आप। और एक नाम है, उन्होंने दिया था अपने बेटे का नाम और बेटी का नाम, कि मेरे बेटे और बेटी का नाम लेना, तो बेटे का नाम हिमांशु और बेटी का नाम था निशा, तो हेलो जी कैसी हैं आप। और एक नाम है सुमन, तो सुमन जी कैसी हैं आप, हेलो कैसी हैं आप। और
एक नाम है परमजीत कौर, तो हेलो जी कैसी हैं आप। और एक नाम है सीमा पांडे, तो हेलो जी सीमा जी कैसी हैं आप। और एक नाम है नीलम, तो नीलम जी कैसी हैं आप, हेलो। और एक नाम, वो उनकी आईडी का नाम है, उन्होंने बोला था मेरा नाम लीजिएगा, तो वो उनकी आईडी का नाम है अमिता त्यागी, हेलो जी अमिता जी कैसी हैं आप। और एक नाम है, एक सहारनपुर से है रुबीना नाज, तो हेलो जी रुबीना जी कैसी हैं आप, ये सहारनपुर से हैं। और एक रितु अरोड़ा, तो हेलो जी रितु जी कैसी हैं आप। और एक अंजू जी हैं दिल्ली से, तो हेलो अंजू जी कैसी हैं आप। और एक है साधना चौधरी, ये अलीगढ़ से हैं, तो हेलो जी साधना जी कैसी हैं आप। और एक है काशीपुर से बीना जी, तो हेलो जी कैसी हैं आप, ये एक ब्लॉगर है, तो हेलो काशीपुर ब्लॉगर बीना, तो हेलो जी कैसे हैं आप। तो मैंने सबके नाम ले दिए हैं, और जो नाम रह गया है वो अगली वीडियो में ले दूंगी, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती आपका नाम लेने में, क्योंकि आप मेरी, मुझे तो सिर्फ नाम ही लेना है, तो आप तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट भी आ रहे हैं आपके, तो बहुत प्यार मिल दे रहे हो, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। बहुत ज़्यादा व्यूज़ कम हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, आपका जितना भी प्यार मिल रहा है, जो मेरे रेगुलर के हैं वो तो मुझे प्यार कर ही रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दिल से शुक्रिया। व्यूज़ कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।